हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं वर्कबुक लेसन टू द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प की शक्ति। इसका टेक्स्ट बुक तो आप पहले देख चुके हैं, वर्कबुक देखते हैं आज। फर्स्ट नंबर की एक्सरसाइज, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द फ्रेज एंड फ्रेज इन योर ओन सेंटेंस। तो वर्ड्स की हम आपको हिंदी में मीनिंग बता देते हैं, आप इनको अपने सेंटेंस में यूज़ करिए। डिवास्टेट, उजड़ना, लिम्स, भुजाएं, मोटर एबिलिटी, गतिशीलता, स्टेप बाय स्टेप, पग पग चलना, रेजोल्यूशन, दृढ़ संकल्प। नेक्स्ट एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स इन द बॉक्स। ये दिए हुए हैं वर्ड्स, मेड अप, सरप्राइज, रेजोल्यूट, क्रिपल, पावर, इनको आपको भरना है। इट वॉज ओनली द पावर ऑफ हिज डिटर्मिनेशन, यह सिर्फ उसके दृढ़ संकल्प की शक्ति थी, दैट द बॉय सर्वाइव्ड इवन आफ्टर द टेरेबल एक्सीडेंट, कितने भयानक एक्सीडेंट के बाद भी बॉय सर्वाइव कर गया। द डॉक्टर हैड डिक्लेयर्ड दैट ही वुड बी ए लाइफ टाइम क्रिपल, क्रिपल मीन्स विकलांग। डॉक्टर्स ने डिक्लेयर किया था कि वह पूरे हमेशा पूरी लाइफ के लिए विकलांग होगा। बट ही मेड अप मीन्स प्रिपेयर करना, बट ही मेड अप हिज माइंड, उसने अपने मस्तिष्क को प्रिपेयर कर लिया, रेडी कर लिया, दैट ही वुड सर्वाइव, कि वह जीवित रहेगा। हिज रिजोल्यूट, पक्का इरादा, हिज रिजोल्यूट डिटर्मिनेशन हेल्प्ड हिम ओवरकम द टेरेबल इफेक्ट, उसके पक्के इरादे ने, दृढ़ संकल्प ने इस भयानक प्रभाव से बाहर आने में उसकी हेल्प की। टू द डॉक्टर सरप्राइज, सरप्राइज मीन्स आश्चर्य, डॉक्टरों के लिए आश्चर्य, द बॉय डेवलप्ड द एबिलिटी टू स्टैंड अप, कि लड़के ने खड़े होने की एबिलिटी डेवलप कर ली। नेक्स्ट एक्सरसाइज सी नंबर, वर्ड्स ये स्टडी दिस वर्ड्स, अनकॉन्शियस, अचेतन अवस्था, सेमी कॉन्शियस, अर्ध चेतन, बोथ द वर्ड्स ए प्रिफिक्स एंड ए रूट वर्ड, अन और सेमी दोनों में प्रिफिक्स हैं, रूट वर्ड दोनों में कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस, एड एन अप्रोप्रिएट प्रिफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे ये वर्ड्स दिए हुए हैं आपको, अप्रोप्रिएट प्रिफिक्स, प्रिफिक्स मीन्स उपसर्ग, उपसर्ग आपको लगाना है, प्रिफिक्स जो आगे लगता है, हैप्पी, अनहैप्पी, वॉवल, सेमी वॉवल, सर्कल, सेमी सर्कल, फेवरेबल, अनफेवरेबल, स्ट्रेस, डिस्ट्रेस्ड, फाइनल, सेमी फाइनल, नोन, अननोन, कॉलन, सेमी कॉलन, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, हेल्दी, अनहेल्दी। नेक्स्ट एक्सरसाइज रीडिंग टाइम है, पैराग्राफ रीडिंग, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव ही सुरक्षा है, एंड इट इज रिकॉग्नाइज दैट द ओनली वे टू राइट ऑफ मलेरिया कम्प्लीटली इज टू गेट राइट ऑफ द मॉस्किटोज विच कॉज इट। और मलेरिया से पार पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि कम्प्लीटली, कि जो उसका कारण है मॉस्किटो, उनसे बचाव किया जाए। मलेरिया इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद डैम्प एंड मार्शी लैंड, जो अंडरलाइन है उनको आप स्पेशल देखते जाइए, बाद में काम आएगा एक्सरसाइज की आधी अधूरी लाइन को कंप्लीट करना, उसका ही आंसर है। मलेरिया हमेशा कहाँ से जुड़ा होता है, दलदली और नमी युक्त भूमि में। दिस इज नॉट बिकॉज लैंड इज डैम्प, बट बिकॉज द स्टैग्नेंट वाटर इज ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मलेरिया मॉस्किटोज। ये ऐसा नहीं है कि लैंड जो है वो डैम्प है इसलिए यहाँ पर है, बल्कि इसलिए कि जो स्टैग्नेंट मीन्स ठहरा हुआ, जो ठहरा हुआ पानी होता है वो मच्छरों का ब्रीडिंग प्लेस होता है। विच बिगिन इट्स लाइफ एज लार्वा इन लिविंग इन द वाटर, जो मॉस्किटो का लार्वा होता है वो पानी में एज ए लार्वा अपना जीवन शुरू करता है। मलेरिया डज नॉट फ्रिक्वेंटली अकर इन द वाटर, मलेरिया अक्सर वाटर में बार बार नहीं पाया जाता। मलेरिया डज नॉट फ्रिक्वेंटली अटर इन, सॉरी ये गलत डबल प्रिंट है, मलेरिया डज नॉट फ्रिक्वेंटली अकर इन ड्राई डेजर्ट, इसको आप कट कर देंगे। मलेरिया वाटर में ही इस मॉस्किटोज पाए जाते हैं, लाइन ये है कि
कि मलेरिया डज नॉट फ्रिक्वेंटली अकर इन ड्राई डिजर्ट कंट्रीज बिकॉज मॉस्किटोज कैन नॉट ब्रीड देयर। मलेरिया जो सूखी रेगिस्तान वाली जगह होती हैं वहाँ पर नहीं पाया जाता क्योंकि मॉस्किटो का वहाँ प्रजनन नहीं हो सकता है। द ओनली वे टू डिस्ट्रॉय मॉस्किटोज इज़ टू प्रिवेंट देयर ब्रीडिंग इन स्टैग्नेंट वाटर। मॉस्किटोज को नष्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जो ठहरा हुआ पानी है वहाँ पर उनकी ब्रीडिंग से बचाव किया जाए। दिस कैन बी डन बाय ड्रेनिंग ऑल पॉन्ड्स एंड पूल्स बाय कीपिंग द कवर्ड इन द ब्रीडिंग सीजन विद अ थिन लेयर ऑफ केरोसिन ऑयल। अब बचाव कैसे किया जा सकता है, देखिए ये क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं दिया लेकिन इंपॉर्टेंट हमेशा आता है। राइट सम प्रिवेंशंस दैट आर यूजफुल टू प्रिवेंट मलेरिया। मलेरिया से बचने के लिए कुछ प्रिवेंशंस जो है वो बताएं जो उपयोगी हो। उसी का आंसर है कि प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है। ड्रेनिंग ऑल पॉन्ड्स एंड पूल्स, जो पॉन्ड्स एंड पूल्स हैं उनको ड्रेन किया जाए और उनका जो पानी है, जो मच्छरों का ब्रीडिंग सीजन होता है बारिश में, उस समय एक थीन लेयर ऑफ केरोसिन ऑयल, एक थीन लेयर ऊपर केरोसिन मिट्टी के तेल की परत हो, तो उससे उनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। विच बाय डिप्राइविंग द लार्वा ऑफ एयर किल्स देम, तो जो लार्वा हैं उनको एयर नहीं मिलेगी और वो मर जाएंगे। तो इस तरह से हम उनका प्रिवेंशन कर सकते हैं। अब आगे इसके क्वेश्चन आंसर नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन व्हाट प्लेसेस मलेरिया अकर मोस्ट, अभी अभी आपने पढ़ा मलेरिया कहाँ पाया जाता है। मलेरिया अकर्स मोस्ट वेयर द लैंड इज डैम्प एंड मार्शी, नमी और दलदल युक्त भूमि में मलेरिया अक्सर होता है। हाउ डज अ मॉस्किटो बिगिन इट्स लाइफ एंड वेयर, मॉस्किटो अपनी लाइफ कैसे और कहाँ शुरू करता है। मॉस्किटो बिगिन्स इट्स लाइफ एज ए लार्वा, लार्वा की तरह अपनी लाइफ शुरू करता है लिविंग इन द वाटर। लार्वा कहाँ रहता है, पानी में। इन वॉट प्लेसेज मलेरिया डज नॉट अकर, वाई, किन स्थानों पर मलेरिया नहीं पाया जाता और क्यों। अभी अभी आपने पढ़ा है मलेरिया डज नॉट अकर इन ड्राई, इन ड्राई अलग अलग, इन ड्राई डिजर्ट कंट्रीज, सूखी रेगिस्तानी जगहों पर, मरुस्थली जगहों पर मलेरिया नहीं पाया जाता बिकॉज मॉस्किटोज कैन नॉट ब्रीड देयर, क्योंकि मच्छर वहाँ पर ब्रीड नहीं कर सकते हैं। एक्सप्लेन प्रिवेंशन इज बेटर देन टू क्योर, अब बचाव ही सुरक्षा है। इट मीन्स दैट इट इज एज इट इज़ बेटर दैट वी शुड ट्राई, क्या बेटर है, वी शुड ट्राई टू अवॉइड द थिंग्स दैट लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द कॉज ऑफ इलनेस, बीमारी का जो कारण है मच्छर मॉस्किटोज उनके डेवलपमेंट को अवॉइड किया जाए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आंसर इसके कंप्लीट होते हैं। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अभी आप ही आपने अंडरलाइन जो किया था, मलेरिया इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद डैम्प एंड मार्शी लैंड, वी कैन प्रिवेंट द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज बाय ड्रेनिंग ऑल पॉन्ड्स एंड पूल्स। फिर गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग फ्रेजेस, वन वर्ड देना है, एन एरिया विच रिमेन्स वाटर लॉक्ड, जहाँ पर पानी रोक दिया जाए, स्टैग्नेंट ठहरा हुआ, टू प्रोड्यूस यंग वंस, अपने जैसे किसी को प्रोड्यूस करना, ब्रीड उत्पत्ति प्रजनन। नेक्स्ट एक्सरसाइज, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, वर्ब्स के पास्ट फॉर्म्स आपको करना है। अब इसमें बताया क्या है कि पास्ट फॉर्म, पास्ट मतलब पास्ट इंडेफिनिट जो है वो सेकंड वर्ब, वर्ब का सेकंड पार्ट होता है। मोहन वाज एब्सेंट टुडे, वाज आ जाएगा, बी का जो होता है इज वाज वर विल, तो आपको पास्ट फॉर्म करना है। तो मोहन वाज एब्सेंट टुडे यस्टरडे, माय फ्रेंड्स वर हैप्पी टू सी मी एट द स्कूल लास्ट वीक, सचिन हिट द बॉल बट द फील्डर कैच का सेकंड फॉर्म कॉट इट, आई आस्क, आस्क का ईडी लग जाएगा उसमें सेकंड फॉर्म, आई आस्क माय टीचर सम क्वेश्चंस। नेक्स्ट एक्सरसाइज, नाउ पुट द वर्ब्स इन सिंपल पास्ट फॉर्म्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। फर्स्ट जो है
My car was sold. मेरी कार बेच दी गई थी. So I, मेरी my car was old. मेरी कार जो है पुरानी हो गई थी. So I sold it. आपको देखना है कि इसमें sell आएगा और sell का second form sold. Simple past आपको use करना है. Past indefinite means verb का second form. मोहन एंड राजू प्लेड बैडमिंटन. मोहन और राजू बैडमिंटन खेलते थे. मोहन विन का हो जाएगा वॉन इजिली. रजनी फॉल दिया है. फेल का सेकंड फॉर्म फेल हो जाएगा. रजनी फेल डाउन द स्टेयर्स. रजनी सीढ़ियों से गिर पड़ी थी यस्टरडे. यस्टरडे से आपको पता चला पास्ट का है. एंड हर्ट और घायल हो गई. दे स्पेंट का सेकंड फॉर्म स्पेंट. दे स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी यस्टरडे. उन्होंने कल बहुत सारी मनी खर्च कर दी थी. सचिन हिट ऑल द बॉल वेरी हाई बट शोएब कॉट इट. कैच का कॉट. सचिन ने बॉल को बहुत ऊंचे मारा था लेकिन शोएब ने उसको कैच कर लिया था तो कॉट इट पकड़ लिया. अब सेकंड आई स्टडी दी सेंटेंसेस. आई यूजुअली गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग. ये आपकी दिनचर्या दी हुई है. देन आई गेट फ्रेश एंड गो टू मॉर्निंग वॉक. टेंस आपको देखना है कौन सा चल रहा है. आई कम बैक एट 7 AM एंड हैव अ बाथ. माई मदर मेक्स टी फॉर मी. ये सारा सिंपल प्रेजेंट में चल रहा है. आई टेक टी एंड स्टार्ट माई वर्क. मैं चाय लेता हूँ और अपना काम स्टार्ट करता हूँ. नाउ राइट विद व्हाट सृष्टि डिड यस्टरडे. ये उसने जो अभी कहा है वो आज किया है. अब उसको बताना है आपको कि उन्होंने कल क्या किया था. द फर्स्ट वन इज डन. फर्स्ट वन जो है वो कर दिया गया है आपकी सुविधा के लिए. सृष्टि गॉट एट 6 o'clock yesterday. जो आपका अभी अभी सब प्रेजेंट में था उसको आपको पास्ट में करना है. अब आपको देन शी गेट है तो उसका गॉट हो जाएगा गॉट फ्रेश. एंड गो गो का हो जाएगा वेंट फॉर अ मॉर्निंग वॉक. शी कम कम का हो जाएगा केम बैक एट 7 AM. हैव का हो जाएगा एंड हैड अ बाथ. हर मदर मेक्स था उसका मेड हर टी. फिर टेक है तो शी टूक टी. स्टार्ट है तो एंड स्टार्टेड हर वर्क. इस तरह से सिंपल पास्ट में इसको चेंज कर दिया है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेसन एंड एक्सरसाइज. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम सो राइट मी इन द कमेंट बॉक्स. आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग मी.